अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नए तजर्बात, कुछ ना कुछ नई मालूमात पेश करता रहता है, जो दुनिया वालों के लिए बेनतहा अजीब व गरीब होती है। इस खबर पे बिल्कुल भी आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये खबर बिल्कुल सच है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ANI ने इसकी पुष्टि की। जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। चाइना का खान पान कुछ इस तरह है कि उस खाने को अगर हम डिश में भी देख लें तो हम वहां से भाग छूटेंगे। तमाम तरह के सांप और कीड़े मकोड़े चाइना की मरगूब डिशों में शामिल है। इस बार चाइना कुछ ऐसा कर रहा है कि अपने बच्चों को तेज तर्रार बनाने के लिए उसने मुर्गियों के खून के बच्चों को इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए, और ये खबर बिल्कुल सच है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार चीन के पेरेंट्स अपने बच्चों को मुर्गी के खून के टीके लगवा रहे हैं। उनका कहना यह है कि इससे उनकी एंटीबॉडीज मजबूत होगी। दूसरा उनका दावा यह है कि गंजेपन की जो शिकायत है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक मुर्गी के खून में एस्ट्राइड की मात्रा होती है जो बच्चों के लिए सही है। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चीन के बच्चे सुपर किड बन जाएंगे, उनमें गंजेपन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चीन के पेरेंट्स में भी खून के इंजेक्शन लगवाने की होड़ है, यानी कि माता पिता और साथ में बच्चों को मुर्गी के खून के इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं ताकि उनकी एंटीबॉडीज मजबूत हो सके और उनके गंजेपन की शिकायत भी हमेशा के लिए दूर हो सके। दोस्तों, बिल्कुल अटपटी खबर है, बिल्कुल अजीबोगरीब खबर है, लेकिन बिल्कुल सच खबर है। चीन के पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतरीन बनाने के लिए हर तरह के कदम उठा रहे हैं। आप आने वाले दिनों में ये देखेंगे और उसका पता लगेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, या इससे निकलने के बाद, इसको लगाने के बाद कुछ परिणाम घातक निकल के आते हैं या सही निकल के आते हैं। बहरहाल चाइना ने एक नई रिसर्च बच्चों पर शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया।